गाइज अगर आप लोगों के पास भी एक लैपटॉप है जिसको आप लोगों ने विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड कर लिया और उसके बाद से उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और बूट टाइमिंग काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, तो फिर आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने इस लैपटॉप की प्रोसेसिंग टाइमिंग और बूट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों की विंडोज 7 में स्पीड चलती होगी, उसी स्पीड पर वापस आप अपने लैपटॉप को विंडोज 10 पर किस तरीके से ला सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज। तो फिर मैंने अपने लैपटॉप को ऑन कर लिया है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक अपना बैटरी का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप लोगों को राइट क्लिक करना है अपने माउस से, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर विंडोज मोबिलिटी सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों के सामने एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि डिस्प्ले ब्राइटनेस, म्यूट और ये सब आप लोगों को इसमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक बैटरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को मेरे लैपटॉप में हाई परफॉर्मेंस सेट दिख रहा होगा, तो आप लोगों को इसे खोलना है। आप लोगों के लैपटॉप में बैलेंस्ड या फिर पावर सेवर पर सेट होगा, तो आप लोगों को इसे चेंज कर हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को इसे कट कर देना है। तो गाइस इससे आप लोगों की बैटरी की परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस पे सेट हो जाएगी। तो गाइस दूसरे स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आ जाना है अपने लैपटॉप के सर्च पैड पे, फिर यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। तो गाइस यहाँ पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है, इसको आप लोगों को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, तो इसको मैंने कर दिया, तो ये यहाँ पर परमिशन मांगेगा, इसे आपको यस कर देना है। तो ये हमारा पीछे कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है, और यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है SFC, यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है SFC स्पेस / स्कैन नाउ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है SFC स्पेस / स्कैन नाउ। तो गाइस आप लोगों को यही सेम कोड यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद आप लोगों को एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों के लैपटॉप को स्कैन करेगा, और आपके लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी जिससे आपका लैपटॉप हल्का चल रहा होगा या फिर कोई भी उसमें दिक्कत आ रही होगी, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देगा और आप लोगों को बताएगा भी कि क्या प्रॉब्लम थी आपके लैपटॉप में। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन 2% हो चुका है, तो ये आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को आगे और भी स्टेप्स बताने हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। गाइस उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को चले जाना है अपने लैपटॉप की सेटिंग पर, तो आप लोगों को क्लिक करना है अपने विंडो वाले बटन पर, वहां पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आप लोग अपनी सेटिंग पर आ जाएंगे। और गाइस सेटिंग्स पर आने के बाद आप लोगों को अपने लैपटॉप के सिस्टम पर क्लिक करना है। गाइस सिस्टम पर आने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक अबाउट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और गाइस अबाउट पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने लैपटॉप के पूरे स्पेसिफिकेशंस दिख जाएंगे, जैसे कि मेरे लैपटॉप में 4GB रैम है और ये इंटेल पेंटेनम प्रोसेसर के साथ है, तो ये मेरा पुराना लैपटॉप है क्योंकि, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे इसके स्पेसिफिकेशन दिखाई दे जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इधर साइड में यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, तो आप लोगों को इस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो गाइस इसकी सेटिंग्स पर चले जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पर मिलेगा, तो आप लोगों को इसे चेंज करके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर कर देना है, जिससे गाइस जो आपके लैपटॉप के फ्रंट होते हैं वो थोड़े डाउन हो जाएंगे और लैपटॉप के एनिमेशन सारे ऑफ हो जाएंगे, जिससे आप लोगों के लैपटॉप की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इसे बेस्ट परफॉर्मेंस पर करके इसे अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। गाइस नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने लैपटॉप में सर्च फिर से सर्च बार पर चले जाना है, और वहां पर आप लोगों को सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। तो गाइस यहां पर जो कंट्रोल पैनल आ चुका है, तो इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। सो गाइस कंट्रोल पैनल को खोलने के बाद यहां पर आप लोगों को इसको लार्ज आइकन पे सेट कर देना है, और लार्ज आइकन पे सेट करने के बाद यहां पर आप लोगों को एक पावर ऑप्शंस का बटन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और गाइस पावर ऑप्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दो प्लान मिलेंगे, एक बैलेंस और एक हाई परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ज्यादातर लैपटॉप में बैलेंस पर सिलेक्टेड होता है, तो मैंने इसे हाई परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों को इसे हाई परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को चेंज प्लान के अंदर चला जाना है अंदर, फिर अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और गाइस उस पर जाने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मिनिमम प्रोसेसर स्टेटस को आपको ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेटिंग दिखाई दे रही होंगी, तो आपके में अलग सेटिंग्स होंगी तो आपको इसे मेरी तरह कर लेना है, जैसे ऑन बैटरी पे 5% और प्लग इन पे आप लोगों को 100% कर देना है। फिर नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर फिर अब आप लोगों को मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट पे क्लिक करना है, और उसमें भी आप लोगों को ये सेटिंग मिलेंगी, तो आप लोगों को इसे ऑन बैटरी पे 100% कर देना है, और प्लग इन पे भी आप लोगों को इसे 100% कर देना है। आप लोगों को इसमें कुछ अलग सेटिंग्स होंगी, तो आप लोगों को चेंज करके उसे ऐसे कर देना है, फिर उसे आप लोगों को ओके करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो मेरे में पहले से ही सेव है,
तो मैं बैक कर देता हूँ और आप लोगों को इसे हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए अपने लैपटॉप के। गाइस ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अब आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप लोगों को फिर से अपने लैपटॉप के सर्च वाले सेक्शन पर चले जाना है और वहां पर आप लोगों को सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है नीचे, तो इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। गाइस यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लोगों को इसमें चले जाना है बूट वाले ऑप्शन पर। और बूट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एडवांस ऑप्शंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोसेसर्स दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप लोगों को फिल कर देना है, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आप लोगों को इस ऑप्शन को खोलना है और इसको आप लोगों को अपने आपके लैपटॉप में जितने प्रोसेसर है उतने प्रोसेसर पे आपको कर देना है। अगर आपके में 4 प्रोसेसर है तो आप इसको 4 पे कर दीजिए, आपके में 2 प्रोसेसर है तो आप इसको 2 पे कर दीजिए। और ये आप लोगों को ऑलरेडी 1 पे सेट मिलता है, तो आप लोगों को इसको फुल पे कर देना है। जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर है आपके लैपटॉप में तो आपको इसे उस फुल पे सेट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इसे ओके कर देना है और फिर आप लोगों को इसे अप्लाई करना है, तो फिर ये लैपटॉप पर रिस्टार्ट मांगेगा, तो आप लोगों को इसे रिस्टार्ट कर देना है। तो मैं भी आप लोगों को और प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, तो फिर मैं इसे रिस्टार्ट नहीं करूंगा और मैं पहले से ही सेटिंग कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो गाइस तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने लैपटॉप की वर्चुअल रैम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। और गाइस वर्चुअल रैम इंक्रीज करने से आप लोगों के लैपटॉप के परफॉर्मेंस काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को फिर से चले जाना है अपने लैपटॉप की सेटिंग्स पर। और गाइस सेटिंग्स पर आने के बाद आप लोगों को फिर से चले जाना है अपने लैपटॉप के सिस्टम पर। और गाइस सिस्टम में आने के बाद आप लोगों को फिर से स्क्रॉल करना है और आप लोगों को चले जाना है अबाउट वाले सेक्शन पर। और गाइस अबाउट वाले सेक्शन पर जाने के बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर। और गाइस एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर जाने के बाद आप लोगों को फिर से उसी परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और इसकी सेटिंग पर क्लिक करना है। और गाइस यहां पर जब आपने बेस्ट परफॉर्मेंस कर दिया होगा यहां पर आप लोगों ने, तो आप लोगों का यही वाला पेज दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर आप लोगों को यहां पर इसमें एडवांस पर जाना है और एडवांस पर जाने के बाद यहां पर आप लोगों को वर्चुअल मेमोरी को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां पर आप लोगों को एक वर्चुअल मेमोरी करके ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को चेंज पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को अपने मेमोरी को कस्टम साइज पर क्लिक करके कस्टमाइज कर देना है। तो इसमें जैसे कि मैंने अपनी सी ड्राइव सिलेक्ट कर रखी है क्योंकि इसी में सब कुछ होता है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने नीचे वर्चुअल मेमोरी का साइज डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं इनिशियल साइज मैंने डाला है 6144 और ये एमबी में है, जीबी में नहीं है। और गाइस नीचे यहाँ पर मैंने डाल दिया है 12288। तो गाइस ये मेरी 4GB रैम के लिए, अगर आप लोगों का 4GB रैम वाला लैपटॉप है तो आप लोग ये डाल सकते हैं, और अगर 8GB रैम वाला लैपटॉप है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके अपने लैपटॉप पर डाल सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप लोगों को अपने लैपटॉप पर सेट पर क्लिक कर देना है, और सेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को चले जाना है अपने लैपटॉप के विंडोज वाले ऑप्शन पर और उस पर आप लोगों को कर देना है राइट क्लिक। और गाइस राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप लोगों को इसे ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना टास्क मैनेजर ओपन कर लिया है, गाइस इसमें आप लोगों को चले जाना है स्टार्टअप वाले ऑप्शन पर। तो स्टार्टअप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस स्टार्टअप पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऐप्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इन पर आप लोगों को राइट क्लिक कर इन सबको आप लोगों को डिसेबल कर देना है। तो मैंने इन सबको पहले से डिसेबल कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर एप्स आ रहे हैं और ये सब एप्स पहले से मैंने डिसेबल कर रखे हैं, सारे के सारे एप्स यहाँ पर डिसेबल्ड आ रहे हैं। ये सारे मैंने पहले से डिसेबल कर रखे हैं और आपके में ये सब इनेबल होंगे, तो आप लोगों को इन सबको डिसेबल कर देना है, जिससे आप लोगों के प्रोसेसर पर और बैकग्राउंड में एप्स नहीं चलते हैं, तो प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ता है और आप लोग आराम से अपना कुछ भी जो आप काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस पर जाकर दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस में देख सकते हैं हमारी रैम पर सिर्फ 32% 9% बस, मतलब लोएस्ट लोड है जितना लोएस्ट हो सकता है। और गाइस ये सब करके भी अगर आप लोगों के लैपटॉप की स्पीड नहीं बढ़े तो आप लोग एक और चीज कर सकते हैं, आप लोग जाकर अपने टेम्परेरी फाइल्स को खाली कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर प्रेस करना है। और गाइस विंडो प्लस आर दबाने के बाद यहाँ पर आपका रन वाला ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है %temp%। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है %temp%, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च करा है। उसके बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है ओके पर। तो गाइस इसके बाद आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी फाइल्स दिखाई दे रही है ये सब आप लोगों की टेम्परेरी फाइल्स है, ये सब आप लोगों के सिर्फ मेलवेयर है आप लोगों के लैपटॉप में, ये वेब फाइल है। तो इन सब फाइल्स को आप लोगों को इस तरीके से सिलेक्ट कर यहाँ पर इसे डिलीट कर देना है, जैसे कि मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी कहे आप लोगों को बस इसे कंटिन्यू करना है और ये सब आप लोगों को डिलीट कर देनी है। और गाइस ये सब फाइल्स डिलीट करने के बाद आप लोगों की सी ड्राइव एकदम खाली हो चुकी होगी। और आप लोगों को एक चीज अपने लैपटॉप में चेक करती रहनी है, जैसे कि माय पीसी में मैं जाता हूँ कि आप लोगों की सी ड्राइव थोड़ी खाली रहनी चाहिए, जैसे कि मेरे में 24GB खाली है, तो अच्छी खासी खाली है मेरी सी ड्राइव अभी। अगर आप लोगों की सी ड्राइव रेड हो रही है तो आप लोगों को उसको खाली करना होगा, जितने भी आपके लिए सी ड्राइव में मेलवेयर भरा हुआ है वो सब आप लोगों को डिलीट करना होगा।
गाइज अगर ये सब करने के बाद भी आप लोगों का लैपटॉप फास्ट नहीं होता है, आप लोगों के लैपटॉप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, तो आप लोग एक और चीज कर सकते हैं। तो आप लोगों को फाइनली एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसकी वजह जिससे आप लोगों के लैपटॉप का सारा डेटा चला जाएगा, पूरा लैपटॉप एकदम नया ही हो जाएगा वो करने के बाद। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को फिर से अपने लैपटॉप की सेटिंग्स पर चले जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आप लोगों को चले जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी पर, और गाइस अपडेट एंड सिक्योरिटी पर जाने के बाद आप लोगों को चले जाना है रिकवरी पर, और गाइस रिकवरी पर जाने के बाद आप लोगों को कर देना है अपने पीसी को रीसेट। तो जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर देते हैं, उसी तरीके से आप लोग अपने पीसी को भी रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मोबाइल में सब एप्स वगैरह चले जाते हैं, तो आप इससे आपके लैपटॉप के भी एप्स वगैरह चले जाएंगे और इससे आपका पीसी वापस नया हो जाएगा। तो अगर उन सब स्टेप से ये सब काम नहीं चलता है तो फिर आप लोगों को ये स्टेप करना पड़ेगा। और गाइस अगर आप लोगों ने विंडो 7 से विंडो 10 में अगर कुछ टाइम पहले ही अपडेट करा है, जैसे कि आप लोगों का भी 10 दिन नहीं हुए अपडेट करे हुए, तो फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जिसमें आप लोगों को गो बैक टू विंडो 7 का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप लोग विंडो 7 में वापस जा सकते हैं और विंडो 10 आपका डिलीट हो जाएगा, तो उससे आप लोगों का लैपटॉप वापस एकदम फुल स्पीड में चलने लगेगा। तो अगर आप लोगों के लैपटॉप में वो ऑप्शन आ रहा है तो मैं तो कहूंगा आप लोग पहले वो ऑप्शन ढूंढ के उसे ट्राई करें, उस ऑप्शन से आप लोगों का लैपटॉप वापस विंडो 7 में चला जाएगा और वापस अपनी पुरानी स्पीड में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग उसे विंडो 10 में अपडेट ना करें। और गाइस अगर आप लोग अपने पीसी को रीसेट नहीं करना चाहते, अपनी फाइल्स को नहीं खोना चाहते हैं, तो फिर आप लोग एक और चीज कर सकते हैं, फिर आप लोग फाइनली एक चीज कर सकते हैं कि आप लोगों को अपने लैपटॉप के ट्रबल शूट में जा सकते हैं, और ट्रबल शूट में जाने के बाद एडिशनल ट्रबल शूटर्स में आप लोगों को चले जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को विंडोज अपडेट दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप लोगों पर क्लिक करके यहाँ पर से ट्रबल शूट कर देना है। तो इसको ट्रबल शूट करने से भी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गाइज ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप लोगों का लैपटॉप एकदम नया जैसा हो जाएगा, और इनमें से अगर आप लोगों को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बता दूंगा कि उस स्टेप में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।